और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि रायबरेली के ऊंचाहार राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, वहां पर पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। दरअसल ऊंचाहार के एनटीपीसी में बॉयलर फटने से 22 लोगों की जान गई है, 100 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनसे मिलने और हालचाल जानने राहुल गांधी रायबरेली के ऊंचाहार पहुंच चुके हैं। वहां पर वो अस्पताल जाएंगे घायलों का हालचाल जानने। और ये भी बता दें कि बीती रात ये हादसा हुआ है, बॉयलर नंबर 6 फटने से वहां पर 22 लोगों की जान चली गई। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौन सा अस्पताल है वो जहां पर घायल भर्ती हैं और जहां पर राहुल गांधी पहुंचेंगे? कुमार देखिए नेहा, इस वक्त वो फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर उतरे हैं और वहां से वो रायबरेली आ रहे हैं सीधे। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ प्रियंका भी हैं। राहुल पहले मॉर्चरी जाएंगे जहां इस घटना में मारे गए लोगों के शव रखे हुए हैं। पहला दौरा वहां है, वहां डॉक्टरों से और वहां लोगों से मिलेंगे। उसके बाद वो जिला अस्पताल आएंगे रायबरेली, जहां कई मरीज अभी भर्ती हैं, उनका हालचाल पूछेंगे। शहर में दूसरे अस्पताल में, निजी अस्पतालों में भी कई मरीज एडमिट हैं झुलसे हुई अवस्था में। राहुल गांधी वहां भी जाएंगे और उसके बाद ऊंचाहार जहां पर एनटीपीसी का प्लांट है वहां जाएंगे। वहां भी एक अस्पताल में कई मरीज एडमिट हैं, वहां भी मिलेंगे। और चर्चा ये भी है कि शायद वो प्लांट के भीतर भी जा सकते हैं। हालांकि अभी प्लांट के भीतर वो जाएंगे या नहीं, जहां हादसा हुआ था, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन राहुल गांधी पहुंच चुके हैं रायबरेली और अब कुछ देर में वो मॉर्चरी पहुंचेंगे। नजर बनाए रखिए कुमार, आपके पास लौटेंगे, तमाम जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि रायबरेली पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद वो मॉर्चरी जाएंगे, जहां पर डॉक्टरों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद अस्पताल जाने का कार्यक्रम, जहां पर घायलों से और पीड़ितों से मिलेंगे। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि वो बॉयलर प्लांट भी जा सकते हैं जहां पर ये हादसा हुआ है, लेकिन प्लांट के अंदर जाएंगे नहीं, इस पर सवाल बना हुआ है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की है कि ऊंचाहार जाएंगे राहुल गांधी, जहां पर एनटीपीसी के बॉयलर फटने से 22 लोगों की जान चली गई। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।